द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा इंटरनेशनल नर्सिस डे है। आज हमारे सिरसा जिले के सीएमओ सर, डिप्टी सीएमओ सर, एमएस सर, आरएमओ सर और सभी अधिकारीगणों ने हमारा नर्सिस का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है, जिसके लिए कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई अफसर ऐसे हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं तो नर्सिस और भी अच्छे ढंग से, मतलब हॉस्पिटल का काम हम कर पाते हैं। तो जैसे इस काम के लिए हमारे सीएमओ सर का और सबका बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर सतिंदर सर और डॉक्टर अमित कंबोज, जो कि हमारे मेडिसिन के ऊपर एमओ हैं, वो उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छे ढंग से काम करने के लिए बहुत ही सपोर्ट करा है। तो उनका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज नर्सिंग डे मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सारे नर्सिंग अमले को और उनके मुखियाओं को इकट्ठा किया और उनको मान सम्मान देने का कार्य किया। उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके उनको स्वागत किया, फिर उनको साथ उनकी समस्याओं का और उनके दिक्कतें कोई आ रही हैं तो उनका हमने जिक्र किया। और हमें संतुष्टि है कि हमारे नर्सिंग अमला जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और जो उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, उससे काफ़ी खुश हैं और प्रफुल्लित हैं। और वो आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से, और भी जोश से काम करने का कार्य करेंगी। और हमें गर्व है कि हमारे नर्सिंग अमले ने कंधे से कंधा मिला करके सभी डॉक्टर्स का साथ दिया है और हमारे डॉक्टर्स भी उनकी हर सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। आज हमने उनको पुष्पगुच्छ दे करके उनको सम्मानित किया और उनकी सेवाओं की प्रशंसा की है। और उनके एक्नॉलेजमेंट के लिए मैटर ने प्रशासन का बड़ा आभार जताया है। और एक ये गेस्चर होता है कि आपके यहाँ जो आपका साथी काम कर रहा हो और उसको पर्टिकुलर एक ख़ास दिन पे अगर उनको मान सम्मान मिले तो उनको अच्छा लगता है। वही कार्य आज हमने किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नर्सिंग अमले में जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे नर्सिंग अमले की और डॉक्टर्स की मान सम्मान करें। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और इस मौके पर सिविल हॉस्पिटल की सभी नर्स को सम्मानित किया गया है सिविल सर्जन डॉक्टर एस के नैन की ओर से। और इस मौके पर सभी नर्सिस से उनकी समस्या भी जानी गई है। हम भी चर्चा करते हैं सभी नर्स से कि इस नर्स डे को लेकर के वो क्या सोचती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको जब वो फील्ड में कार्य करती हैं। एक परिवार की जिम्मेदारी नर्स के सिर पे होती है, उसके अलावा वो फील्ड में किस तरह की जिम्मेदारी निभा पाती है हम जानते हैं इन सभी सिविल हॉस्पिटल की नर्स से। और इन दिनों इस महामारी के चलते उनकी ड्यूटी और ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, जिम्मेदारी भी उन्होंने और ज़्यादा अधिक बढ़ी हुई है, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं सिविल हॉस्पिटल की नर्स से। हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। थोड़ा सा परिवार के साथ जब जाते हैं थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन हमने थोड़ा सा परिवार से दूरी बनाकर अपना सही ढंग से काम चल रहा है हमारा। हमें किसी तरह की किसी इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। बीमारी जरूर खतरनाक है, लेकिन हमारे हौसले बहुत बुलंद है और हमारे सर साथ हैं, हम जरूर लड़ लेंगे इससे। चुनौतियों का तो क्या, जैसे कोई भी पेशेंट है, किसी का भी कोई पता नहीं है किस कौन रिएक्ट पॉजिटिव है, कौन कैसा है, लेकिन उन्हीं को डील तो हमारा करना फ़र्ज है। तो इसी से अभी क्या, रोज़ हम जैसे अपने घर जाते हैं तो ये होता है कि कहीं इन्फेक्शन लेके उनके पास ना जाए, हमारा तो चलो जो है ठीक है। चुनौतियाँ तो आती हैं नर्सिस को बहुत सारी, क्योंकि फैमिली भी होती है और दूसरी साइड ड्यूटी भी होती है, तो हम दोनों को मतलब तालमेल मिला के ही चलते हैं। तो जैसे घर जाते हैं या ड्यूटी करते हैं तो डर भी होता है, अभी बीच में ही पॉजिटिव पेशेंट है, बीच में नेगेटिव पेशेंट है,
तो पता नहीं कौन से का कॉन्टैक्ट में हम आ जाए और कहाँ से हमें वायरस पकड़ ले, पर फिर भी हम इस चीज़ से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे हम पूरी जोश के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, पूरी प्रिकॉशन के साथ ड्यूटी करते हैं, पूरी पीपी किट डालते हैं, पूरा हाथ जब भी होता है हैंड वॉशिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, ताकि जो हमारी फैमिली है वो भी इस चीज़ से बची रहे। तो उनको भी समझाते हैं कि हमारे से थोड़ा कॉन्टैक्ट कम रखा करो, बच्चे जो होते हैं बच्चों को भी थोड़ा अपने पास नहीं आने देते, हम अलग रहते हैं बच्चे अलग रहते हैं, तो फील तो बहुत होता है, पर क्या करें, जो ड्यूटी है ड्यूटी तो हम निभाएंगे और पूरे जोश के साथ निभाएंगे, पूरी हिम्मत के साथ निभाएंगे और कोरोना को जरूर भगाएंगे। जय हिंद। हम अपने परिवार की जिम्मेवारी वे अपनी ड्यूटी की जिम्मेवारी पूरी खूबी से निभा रहे हैं और हमने सब ने मिलकर कोरोना को दूर भगाना है। जय श्री राम। मैं अब उन चुनौतियों की कोई बात नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी जिस तरह हम हॉस्पिटल में रह के हम यहाँ अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसी तरह समाज की में जो पब्लिक है वो भी लॉकडाउन की पालना करे, अपने अपने घरों में रहे, ताकि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो सकें। बस मैं इतना ही, धन्यवाद। परिवार के लिए समय मिल पाता है इस जो इस वो जो अब परिस्थितियाँ मेरी बहनों ने बताई हैं, वही परिस्थितियाँ हम सबके साथ हैं, जितना समय मिल पाता है हम उनके साथ रह लेते हैं, बाकी हम अपना हॉस्पिटल में टाइम। कभी आपको कभी बच्चों ने कहा हो कि मम्मा आप बच के रहिए या इस तरह से सावधानियां बरते, इस तरह के कुछ पल आप? मेरा बेटा समझदार है, बी फार्मेसी का स्टूडेंट है, वो मुझे अच्छी तरह समझता है, मेरे हस्बैंड भी मुझे अच्छी तरह समझते हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सिविल हॉस्पिटल सिरसा की नर्सिस, जिन्होंने अपने अपने अनुभव के बारे में बताया। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।